एक बात याद आ गई, हजरत उमर का जमाना था, तो गस्सान के बादशाह ने कलमा पढ़ लिया। जो लोग गरीब कहलाते हैं ना, वो जरा मेरी बात पे ज्यादा तवज्जो करें, गरीबों को सुनाने लगाओ, गरीब जरा तवज्जो करें। गस्सान के बादशाह ने इस्लाम कबूल कर लिया, और इस्लाम कबूल करते ही वो आए हज करने। हज के बाद फारिग हुए तो एक नफली तवाफ कर रहा था गुस्सान का बादशाह, शाह गुस्सान। आज तो खाना काबा में भी वीआईपी प्रोटोकॉल मिलता है, आज तो मस्जिद नबी में भी वीआईपी प्रोटोकॉल होता है, यहां आके भी, यहां भी। और देखते सही तू खड़ा कहां है, यहां भी पुलिस वालों ने बाजू पकड़े। सोचो तो सही, ये हाल कर दिया तुमने मजहब का, तवाफ काबा हो रहा है, और गुस्सान के बादशाह ने जुब्बा पहना हुआ है बारीक और लंबा, वो तवाफ काबा कर रहा था, तो एक गरीब आदमी का पैर उसके जुब्बे पे आ गया। जब पैर आया तो उसने पलट के गरीब के मुंह पे थप्पड़ मारा। जब थप्पड़ मारा तो उस गरीब ने सैयदना फारूक आजम की अदालत में मुकदमा कर दिया, कहा बादशाह ने थप्पड़ मारा है। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला उन्होंने बादशाह को बुलाया, फरमाया तूने उस गरीब को मारा है? कहा जनाब उसने पैर रखा था। तो फरमाया पैर रखा था तो क्या हो गया, तूने क्यों लंबा जुब्बा पहना था, तुझे सिमट के चलना चाहिए था। कहा मेरे लिए हुक्म क्या है? हजरत उमर कहने लगे या उसे रात में राजी कर ले, वरना सुबह उसी जगह उसी कोने में खाना काबा के साए में वो गरीब तेरे मुंह पे थप्पड़ मारेगा और तुझे थप्पड़ खाना पड़ेगा। गरीबों सुनो सुनो, सारी रात वो गुस्सान का बादशाह गरीब की मिन्नत करता रहा, तू राजी हो जा। गरीबों तुमसे शिकवा है, तुम 2-4 लाख पे राजी हो जाते हो। गरीबों तुमसे शिकवा है, तुम इंसाफ होने नहीं देते। गरीबों तुम थोड़ी थोड़ी बात पे मुतमईन हो जाते हो, थोड़ी थोड़ी बात। जितने गरीब तन हैं लिबासों से दूर दूर, उतनी ही चादरें मैं मजारों से छीन लूं, और जितने गरीब घर हैं उजालों से दूर दूर, उतनी ही रोशनी मैं सितारों से छीन लूं। इतनी तो हिम्मतें हो मेरी कम से कम बुलंद कि शाहों के ताज फक्त इशारों से छीन लूं। तुम्हारी ज्यादती है, तुमने जुल्म परवान चढ़ाया है। जब तुम चौधरी के कहने पर MNA के कहने पर राजी हो जाते हो, तुम इंसाफ होने नहीं देते। डटना सीखो, खड़े होना सीखो। जब उसे कहना राजी हो जा तो वो गरीब कहने लगा मैं राजी हो जाऊं और कल तू किसी और को भी थप्पड़ मारे। फरमाया जितनी तेरे पास दौलत है ला के कदमों में रख। हम दौलतों की परवाह इसलिए नहीं करते कि हमने मोहम्मद अरबी का चेहरा देखा हुआ है। अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई, इसलिए कि जैसे मेरे महबूब है वैसा नहीं। तुम असर लेना छोड़ दो, तुम असर बड़ा लेते हो। हाँ तुम्हारे ऊपर चीजें असरअंदाज होती हैं, इसलिए इंसाफ नहीं होता। डटना सीखो, खड़े होना सीखो। जो भाई डट जाता है ना वो बड़े कमाल कर जाया करता है। सारी रात मनाता रहा। हजरत उमर से कहने लगा वो नहीं मानता। तो जनाबे उमर कहने लगा फिर तैयारी कर ले, हम बादशाह नहीं देखेंगे, दौलत नहीं देखेंगे, हम रसूलुल्लाह का दीन देखेंगे, हम नबी पाक का निजाम देखेंगे। वो बादशाह रात को दौड़ गया, भाग गया, जाके ईसाई हो गया। लोगों ने कहा इतना कीमती आदमी उमर ने जाया कर दिया। फरमाया चुप करो, मैंने कोई चीज जाया नहीं की, मैंने तो अपने रसूल का दीन बचा लिया है, कोई शायद जाया नहीं हुई। अदल जब तक, मैं फिर कहूंगा, इस अदल के नुकसान में हर आदमी बराबर का शरीक। हम अदल होने नहीं देते, हम अदल कायम नहीं करते। हमारा तकाजा ही नहीं कि अदल हो, हम अपने आप को अदल के लिए पेश ही नहीं करते, मिजाज ही नहीं।